हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको दिखाऊंगा कश्मीरी घर कैसा बनता है। एंड मेरी आज एक फ्रेंड के घर में जा रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कश्मीरी घर एग्जैक्टली कैसे बनते हैं। एंड उसी के सिलसिले में आज मैं आया हूं पुलवामा में, तो मेरे साथ बना रही है। तो ये रहा आपका एंट्रेंस, जो आपका मेन गेट है, और मैं आपको अभी अंदर ले चलता हूँ। एक्चुअली मेरा फ्रेंड का जो घर है वो अभी अंदर कंस्ट्रक्शन में है, तो जब आप अंदर आते हो तो यहाँ पे आपका कार पार्किंग दिखने को मिल जाएगा। दिख रही है, ये छोटे से टॉयलेट है जो आपके जैसे गेस्ट आते हैं तो उनको उनके लिए। गाइस, इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा बस यही है कि कश्मीरी लोग घर कैसे बनाते हैं उसको मैं आपके सामने दिखाऊं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए गाइस, आप अंदर ले चलता हूं और आपको मैं थोड़ी बहुत दिखाता हूं। लाइक आई सेड दैट घर बिल्कुल बना हुआ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करनी। और आप जब घर के अंदर आते हो तो आपका घर ऐसे दिखते हैं और सारी जगह आपको दिखेगा कारपेट बिछाया हुआ। ये बहुत ही कॉमन कल्चर है कश्मीरी घर में। और आप यहाँ आते ही लेफ्ट साइड में आपको किचन देखने को मिल जाएगा, एंड उसके बाद से यहाँ पे दूसरे रूम, एंड आप यहाँ आ गया होगे तो आप यहाँ पे एक टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट। गाइस, जो ये आप रूम देख रहे हो ये नॉर्मली गेट टुगेदर के लिए होते हैं, जैसे जब आपके घर में यार दोस्त आते हैं तो बैठने के लिए। एंड आप एक तरफ से ये भी कह सकते हो कि एक टीवी रूम है, इस तरह से बना हुआ है। और आप जब यहाँ आओगे तो आप देख सकते हैं ये क्यूट सा किचन, ये ऐसा होता है यहाँ के किचन। और इसके साथ एक रूम होते हैं यहाँ पे, जो मोस्ट ऑफ द कश्मीरीज प्रेफर टू स्टे इन दैट रूम बिकॉज वो आपका किचन से एक्सेसिबल होते हैं, एंड उनको अगर चाय पीना हो या खाना खाना हो तो वो उसके लिए आराम रहता है, तो इसलिए वहाँ पे। और आपको एक रूम देखने को मिलेगा जो इस तरह की स्पेस, खाली स्पेस रहता है, और वो हर एक कश्मीरी घर में आपको देखने को मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा एक घर में इस्तेमाल हुआ जाता है। सो गाइस, ये है आपका ग्राउंड फ्लोर जिसमें आपका किचन है, एक कॉमन रूम है, एंड आपका कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम है। एंड उसके बाद से आपका यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में तीसरा रूम है जो सबसे बड़ा है, एंड यहाँ पे आपका लिविंग रूम है जहाँ पे नॉर्मली और ज़्यादा अगर गेस्ट आते तो इस रूम का इस्तेमाल हुआ जाता है। एंड ये इस तरह से दिखता है, एक बार ये सभी देख लो। ये रहा यहाँ का लिविंग रूम। यहाँ पे कुर्सियाँ बहुत कम होती है क्योंकि लोग प्रेफर करते नीचे ऐसे इस तरह से गद्दे बिछा के दीवार में लग के वहाँ पे आराम से बैठे। एंड आपको लगे सर्दियों में आपको पता चलेगा, जब आप अगर कभी कश्मीरी घर में आते हो तो लोग प्रेफर करते हैं ब्लैंकेट, एंड उसके अंदर होते हैं कांगड़ी जो आपको कंटिन्यूस हीट देते हैं ताकि आपको सर्दी से बचाएं। एंड आप इस तरफ आओगे तो आपको मैं बता देता हूँ, तो आप हर कश्मीरी घर में आओगे तो आपके जो लिविंग रूम है उसमें आपको ये कुरान शरीफ देखने को मिलेगा, जो इस तरह से इतने अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करके रखते हैं। तो ये रहा आपका नीचे वाला सेक्शन लिविंग रूम, एंड हम अब यहाँ से बाहर चलते हैं। और अभी ये सब दीवार है जो आप देख रहे हो, ये सब में सारे में आपकी पेंटिंग होगी, और ये जो कारपेट है ये टेम्प्रेरी है, इसको सबको निकाल देंगे जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप गाइस, आपको मैं बता दूं कि ये हम फर्स्ट फ्लोर में आ गए और यहाँ पे आपका एक रूम यहाँ पे है, एंड यहाँ मेरा फ्रेंड का रूम है, एंड यहाँ और एक कमरा है। सो यहाँ से आप जब अंदर आते हो तो आपको खूब सारे वायरिंग के काम देखने को मिल जाएंगे, बट लाइक आई सेड दैट इट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। एंड जब आप यहाँ से खिड़की से बाहर देखोगे देन यू विल सी ऐसे। एंड यहाँ पे देखो आप, लोग सब्जियाँ भी उगाते हैं ऑर्गेनिक। एंड इसी के साथ यहाँ भी एक कॉमन टॉयलेट है। और फाइनली ये रहा मेरा फ्रेंड का रूम, एंड आप जब यहाँ आओगे
तो उसका रूम इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से वायरिंग आपको बहुत सारा अभी देखने को मिलेगा। एंड ये इसका रूम है, नीचे में यहाँ सारे जगह आपको इस तरह से कारपेट बिछाया हुआ मिलेगा। और सो मुझे सबसे एक और अच्छी बात कश्मीरी घरों में ये लगते हैं कि जिस और वो है वुडन वर्क। एंड आप देख सकते हो कि इस बेड में कितनी सुंदर से वुड का काम किया हुआ है। एंड मेरा फ्रेंड बता रहे थे कि ये जो बेड है इट कॉस्ट हिम अराउंड 50,000। और ये रहा मेरा फ्रेंड का ड्रेसिंग रूम, जो हम कभी अपने ज़िंदगी में घर में मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि मेरे ऐसे कोई ड्रेसिंग रूम होंगे। तो यहाँ पर उसके कपड़े हैं और यहाँ पे है आपका बहुत ही बड़ा सा मिरर, आप देख सकते हो। जिसमें आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको बहुत सारे अगेन वुड वर्क देखने को मिलेगा ऐसे, इस तरह के बनते हैं। सो गाइस, ये आपका है सेकंड फ्लोर। एंड बेसिकली लाइक 85-90% ऑफ जो कश्मीरी लोग होते हैं वो इस रूम को रूम नहीं बनाते, इसको जैसे आपके हॉल बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी जैसे शादियाँ होती है या घर में फंक्शंस होते हैं तो इस वाले जगह को इन लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ भी आपको अगेन ये वुड वर्क देखने को मिलेगा इस तरीके से। गाइस, आपको ये लगेगा कि घर शादी यहीं पे ख़त्म है, लेकिन मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा कि हम इससे भी ऊपर जाएंगे। आपको लगेगा कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ हम यहाँ से ऊपर चलेंगे और आपको मैं ऊपर से भी दिखाऊंगा यहाँ के व्यू को। तो खोल के आपको दिखाते हैं ये कैसे खुलता है, ये आपकी छत में होता है। सो आप जो नीचे से आप डिज़ाइन देख रहे थे वो ऊपर, तो आपका ये ऐसा होता है ऊपर के जो वुड के काम और जहाँ पे टीन लगता है आपका। तो चलिए हम आपको यहाँ से भी ऊपर लेके चलते हैं। गाइस चलो, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ एंड दिखाता हूँ कि ये जो आपकी छत होते हैं वो कैसे बनता है। तो कम गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब ऊपर आते हो तो यहाँ से आपको आना होता है। एंड जब आप ऊपर आते हो तो आपको इस तरह की रूफ देखने को मिलेगा जो बिल्कुल तख्ते से बना हुआ। एंड ये इस तरह से चारों तरफ ऐसे दिखते हैं, ये रहा, देख सकते हो कि इसके कंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं। वैसे इस एरिया के बाद आपको मैं बाहर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से एक छोटी सी टेरेस है जहाँ पे आपका सिंटेक्स रखा जाता है, जहाँ पे यू नो घर की सप्लाई के लिए पानी। एंड यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा है जो मेरे फ्रेंड ने बताया, तो आपको आखिर में लेके चलता हूँ। बाहर आ चुका हूँ टेरेस में, ये जहाँ पे आपका सिंटेक्स रखा हुआ है। एंड यहाँ से नज़ारा इस तरह से दिखते हैं। एंड इफ यू कैन सी, उस पहाड़ में आप देख रहे हो बर्फ ऐसे दिखते हैं। एंड ये आ गया आपका कबूतर वाला घर जो इस तरह से बनते हैं। और मेरे फ्रेंड ने बताया कि जो कबूतर होते हैं वो 5,000 से लेके 1,00,000 तक के बीच में आते हैं। और लोगों को भी यहाँ बहुत शौक है कबूतर पालने का, इसीलिए इतने बड़े घर बनाया कबूतर के लिए। देखो, और ये है यहाँ का व्यू, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहे हैं। और ये रहा मेरा फ्रेंड का घर का छत जो ऐसे बनता है। डिज़ाइन देख रहे हो, आपको ये लग रहा हो ये क्या चीज़ का है, तो मैं आपको बता दूँ, जब बर्फ़ होते हैं तो बर्फ़ जो है इकट्ठे नीचे पूरी तरह गिर ना जाए, इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए ये लगाया जाता है छत पे। गाइस, That's all for the day and मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। So guys, if you appreciate my effort, then please like, comment and subscribe to my channel. And आप लोगों से मैं जल्द अगले व्लॉग में मिलूंगा। Till then, take care of yourself. Bye.